हेलो माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल मिस्टर और मिसेज राज। तो आज है छठ का पहला मॉर्निंग का अर्घ। तो सुबह में जो अर्घ होते हैं उसे देने के पहले आपको जो कोसी वगैरह आपने भरा है घर पे उसे लाके घाट पे पूजा किया जाता है छठ माँ के पास। तो सभी ने अपना अपना कोसी लेके सब लोग आए हैं और आप देखो कितना प्यारा लग रहा है, सबका एक साथ रखा हुआ है। तो यहाँ पे मम्मी और हस्बैंड और पापा जी पहले आ चुके थे और उन्होंने मतलब कि कोसी का पूजा करवाया और मम्मी यहाँ पे कोसी को टीका लगा रही हैं। तो यहाँ पे छठ माँ के पास लाके उसे पूजा किया जाता है। पूजा करने के बाद मैं फिर आ गई, मतलब हम थोड़ा लेट से आते हैं लेडीज़, दीदी के साथ में आई हूँ तो थोड़ा लेट हो गया मुझे। तो यहाँ पे आके मम्मी ने मुझे डिस्पोजल में और दिया में एक साथ मतलब दिया वगैरह रख के बहुत अच्छे से सजा के मुझे दिया और इसमें मुझे बोला कि तुम इसमें जला लो। इसमें ना मम्मी लोग अड़क देती हैं तो खड़ी होती हैं, तो इसमें पहले हमने दिए जलाए। दो दिया आपको दिख रहा होगा पहले से, वो एक मनीषा दी ने जलाया था और एक सोनम दी ने, दीदी लोगों ने जला लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे मन्नत मांगा छठ माँ वापस से आप आना, फिर से आना। यहाँ पे मैं बड़ी मम्मी को लगा रही हूँ सिंदूर, ये है मेरी बड़ी सासू माँ। तो ये बड़ी मम्मी को मैंने सिंदूर लगाया उनके ही सिनोड़ा से। जैसा कि आपको पता होगा कि जिसका सिनोड़ा रहता है उसको उसके सिनोड़ा से ही सिंदूर लगाते हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे नहीं लगाया। यहाँ पे मैंने लिया बड़ी माँ का आशीर्वाद। यहाँ पे फिर मैंने मम्मी को मम्मी के सिनोड़ा से सिंदूर लगाया और उसके बाद मम्मी ने अपने सिनोड़े से सिंदूर नहीं लगाया, उन्होंने छठ माँ को जो सिंदूर चढ़ाया था उससे लगवाया। इस वजह से मम्मी भी मुझे उसमें से लगा रही हैं। तो फर्स्ट सिंदूर मैंने अपनी सासू माँ से लगवाया, मम्मी ने मुझे लगाया फर्स्ट में, उसके बाद बाकी लोगों ने मुझे लगाया। एक्चुअली ये प्रथा बहुत मतलब सबसे मेन होता है छठ पूजा में, ये सभी करते हैं, जितने लोग भी बिहारी होंगे या जो भी छठ करते हैं वो ये ज़रूर करते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे ना, मॉर्निंग में जब अर्घ देने का टाइम होता है उसके थोड़ी देर पहले सिंदूर सभी लेडीज सभी सुहागन एक दूसरे को लगाती हैं और ये प्रथा मतलब छठ का एक मतलब मेन आएगा, मेन कहलाएगा। ये है मेरी छोटी आंटी, तो ये मेरी छोटी सासू माँ है, वो मुझे सिंदूर लगा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया सभी ने सिंदूर लगाया है, बारी बारी होता है। ये वो हल्दी और कुछ होता है जो कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो वो एक जो फास्टिंग करते हैं वो एक दूसरे के हाथ में फूल टाइप का कुछ बनाते हैं। तो ये सारे रिचुअल्स मतलब सब कुछ सेम होता है। मेरे घर पे भी मेरी मम्मी जब करती थी तो वो भी ऐसे करती थी। बट एक्चुअली एक बात बता दूँ, मतलब मुझे अपने ससुराल का छठ काफ़ी मतलब अच्छा लगा। मेरे घर पे भी होता है छठ, तो कहीं पे भी बहुत अच्छा लगता है, बट यहाँ पे ना इतने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, इतने सब अपने लगते हैं, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा मतलब कि इन्जॉय फील हुआ। एक्चुअली अब मतलब बहू हूँ तो थोड़ा शांत रहना पड़ा तो इस वजह से, लेकिन अगर यहाँ की जो बेटी हैं जो खुल के मस्ती कर रही हैं उनको तो ज़्यादा ही मज़ा आता होगा। और मुझे भी बहुत आया सच में। मेरे घर पे मम्मी करती तो मम्मी अकेले करती थी क्योंकि हम मतलब कि आंटी वगैरह सब मतलब कहीं और रहती हैं ना, तो इस वजह से आंटी वगैरह के साथ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इतने लोग करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ना, इसमें से एक दो को हटा दिया जाए तो सभी हमारे फैमिली मेम्बर है। बड़ी मम्मी है, छोटी आंटी हैं, मतलब सभी अपने ही हैं। सब मेरे सासू माँ लगेंगी रिलेशन में, बट सब अपने हैं। तो मुझे बहुत इंजॉय फील हुआ। कुछ बड़े भैया लोग भी हैं और सभी छोटे देवर भी हैं, फिर से छोटी मतलब मेरे हस्बैंड से छोटी सिस्टर है उनकी, तो उन लोग भी मतलब बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का। मतलब कि इतने वही होता है ना, बिकॉज़ मुझे पहले से ही ना बड़ी फैमिली बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे है, पीछे आपको जो दिख रही होंगी वो विशाल मतलब मेरे हस्बैंड से छोटी हैं। तो यहाँ पे पापा मेरे साथ, मैं अकेले खड़ी थी तो पापा ने बोला अकेली हो क्या, तो पापा भी आ गए मेरे साथ खड़े हो गए।
तो यहाँ पे सबने अभी रेडी कर लिया। अब सूरज भगवान जल्दी से निकलने वाले हैं, जिसे सूर्य आदित्यनाथ कहते हैं। तो आदित्यनाथ, आदित्य जैसे आपने सॉन्ग सुना होगा ना, तो वहाँ पे बोलते हैं, तो उसको उनको ही बोलते हैं, सूर्य भगवान को। तो हम ना सूर्य उगते हुए सूर्य को भी पूजा करते हैं और डूबते हुए, तो यही बात है ना, हम उगते और डूबते दोनों रूप में सूर्य देव को पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैं दीदी लोग के साथ खड़ी हूँ, यहाँ पे सब जीजू, सब एक दूसरे को जीजू हैं, भैया हैं, जो छोटे हैं वो बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये रिचुअल्स हमारे बिहार में ही होता है, आप कितना भी कुछ कर लो, बट जो छोटे हैं वो छोटे ही रहते हैं और प्रणाम करते हैं बड़ों को, यही हमारे संस्कार में हमें सिखाया जाता है। तो यहाँ पे अर्घ देने के टाइम हो चुके हैं, सूर्य भगवान निकल गए हैं। तो यहाँ पे सभी, मतलब सबसे पहले ना हस्बैंड लोग अर्घ दिलाते हैं, हस्बैंड के बाद बेटे दिलाते हैं, और उसके बाद बेटी बहू सबको ही बारी बारी से अर्घ दिलवाते हैं, फास्टिंग जो करते हैं। तो यहाँ पे पापा मम्मी को दिला रहे अर्घ। अनफॉर्चुनेटली ना सभी ने मतलब पिंक पहना था, मिलता जुलता सबका साड़ी पिंक हो चुका था, ये मतलब अब कोइंसिडेंस बोलो या कुछ भी, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो भी, मतलब आप देख सकते हो मेरी जो आंटी हैं उनका भी पिंक है, लाइट पिंक, मम्मी का भी पिंक है, और मेरा भी पिंक है, मतलब अनफॉर्चुनेटली मैच कर गया, सभी ने लगभग पिंक कलर का ही पहना हुआ था। तो ये कोई हमने जानबूझ के नहीं किया, कोइंसिडेंस के मतलब कहो या कुछ भी, सबका कलर मिलता जुलता हो गया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड वो अर्घ देने के लिए खड़े हैं, तो उन्होंने भी दिया अर्घ, और उन्होंने फॉर्मल पहना हुआ है। मुझे उनका शाम से ज़्यादा गेटअप मुझे उनका मॉर्निंग में अच्छा लगा, तो क्योंकि फॉर्मल में एज यूजुअल वो हमेशा ही। मैंने भी दिया मम्मी को अर्घ दूध से, और उसके बाद मम्मी ने, मतलब मम्मी को इतना पता है कि मुझे फ़ोटो लेना पसंद है, तो वो ना बहुत मतलब कोऑपरेट करती हैं, वेट करती हैं कि हाँ कैमरा स्टार्ट हो जाए तब करेंगी, मतलब मैं बहुत कोऑपरेट। तो यहाँ पे पंडित जी ने मम्मी को दिलवाया अर्घ, यहाँ पे वापस से मम्मी ने मुझे फल दिया। हमारे मतलब आँचल में देते हैं सबसे पहले, जब अर्घ दे के आते हैं तो फल देते हैं, तो वही मम्मी ने मुझे आँचल में फल दिया। और उसके बाद यहाँ पे बड़ी माँ ने मुझे वापस से सिंदूर लगाया, और यहाँ पे मैंने मम्मी को पिलाया पानी। यहाँ पे कोई है छोटी जो कि मुझे प्रणाम किया उन्होंने, तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया। यहाँ पे मम्मी ने मुझे बोला, जिस तरह तुमने मुझे मतलब पानी पिला के मतलब कि संतुष्टि दिया, उसी तरह तुम भी लाइफ में हमेशा संतुष्ट रहो। अच्छी तरह यहाँ पे आप सूर्य देव को देख सकते हैं, कितने अच्छे से निकल चुके हैं। यहाँ पे चल रहा है हमारा फोटो सेक्शन, तो हम सभी ने पोज मार के हम सभी खड़े हैं कि हमारी फोटोज हो जाए। और यहाँ पे छठ माँ को लिया गया, तो यहाँ पे मैंने और हस्बैंड ने किया प्रणाम, और आप देख लो मतलब कि साथ में ही हमने प्रणाम किया, और हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही विश मांग रहे लगता है। तो यहाँ पे फिर हमने वापस, हम सब वहाँ से निकल गए घाट से, और हम यहाँ पे जा रहे हैं घर की तरफ। तो सबसे पहले ना, अभी मतलब कि सबसे पहले घर आता है आंटी का, तो उनके पास ना एक डॉगी है एलेक्स, जिसका नाम है, वाह मतलब ये इतना मुझे मतलब मैक्स की तरह इसका बिहेवियर था स्टार्टिंग में, मुझे बहुत ज़्यादा। सीट सीट बैठो बैठो बैठ सीट 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 गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय खाल खाल चेंज अपना आउटफिट कंफर्टेबल सब कुछ पहन लिया है तो अभी मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए मम्मी के लिए थोड़ा पहले ही बनाना चाहिए था बट मैं भी गई थी तो काफी लेट हो गया हमारी फैमिली इतनी बड़ी है तो फोटोज क्लिक कराने के साथ साथ तो अभी मैं जा रही हूँ बहुत स्पेशल कुछ खाना बनाऊंगी मम्मी के लिए क्योंकि वो 4 डेज का फास्टिंग करती है सच में बहुत डिफिकल्ट होता है तो जिसने भी छठ पूजा किया है सभी को मेरे तरफ से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी अपने मम्मी के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाइए उन्हें खिलाइए जो बहू है वो बनाइए बेटी है सब खिलाइए तो मैंने बनाया खाना तो मम्मी के लिए टेस्टी खाना बनाते के टाइम मैंने शॉट नहीं लिया क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना था तो काफ़ी ही टेस्टी खाना लगा मम्मी को मम्मी ने खाया और यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को देख रहा हूँ थोड़ा मतलब कॉटन का साड़ी है और कोलकाता में इस टाइप की लड़कियाँ साड़ी और लेडीज पहनती हैं
तो ये साड़ी ना एक्चुअली कोलकाता से ही आया था और इसको पूजा में हमने चढ़ाया था, कोसी भरने टाइम पे, कोसी जो भरते हैं तो ईख पे जो साड़ी मतलब चढ़ाते हैं छठी मैया के उसमें, तो ये साड़ी चढ़ाया गया था। तो मम्मी ने मुझे बोला भी था कि ये तुम मत पहनो, मतलब मैं पहन लूंगी, तो मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस वजह से ये साड़ी मुझे मम्मी ने दिया प्रसादी के रूप में और इसे मैंने एक्सेप्ट किया। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ऐसा ही साड़ी पहनना है, साड़ी सभी अच्छे होते हैं, तो ये प्रसादी का साड़ी, इसलिए मैं आपको आज थोड़ा गर्लिश नहीं लग रही होंगी। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरह बहुत सारे एक्साइटिंग मूवमेंट के साथ। तो आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी।